जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जयश्री पवार और आज हम बनाएंगे पेस्ट्री केक, जिसे बनाने के लिए मैंने लिए व्हाइट ब्रेड, शुगर, टूटी फूटी और पानी में हम शुगर डालकर शुगर सिरप बना लेंगे। और इसमें आप जिस फ्लेवर का केक चाहते हो उधर मैं वैनिला डाल रही हूँ। और इसे आप हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमने लास्ट वीडियो में व्हिप क्रीम को व्हिप करने देखा था, तो ये क्रीम व्हिप करी हुई है। अब हम इस ब्रेड के स्लाइस को साइड से कट कर लेंगे। अब हम एक बाउल रखेंगे, उसके ऊपर एक प्लेट, फिर उसके ऊपर एक प्लेट, और यहाँ पे हम थोड़ी सी क्रीम लगा लेंगे। फेविकॉल जैसी लगी हमारे को चिपकाएंगे, फिर वो हिलेंगे नहीं। और अभी ये सिरप जो बनाया हमने अभी उसको हम अच्छे से इस पे लगा देंगे। ब्रेड बहुत फीकी होती है, इसलिए हम इसे शुगर सिरप से अच्छे कर लेंगे, मीठी बन जाएगी। फिर इसके ऊपर लगाऊंगी मैं क्रीम। अभी पेस्ट्री केक है तो हम पेस्ट्री क्रीम लगाने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे, ढेर सारी क्रीम लगा देंगे। फिर इसके ऊपर एक ब्रेड रख लेंगे, फिर वही प्रोसीजर, फिर हम इसको सिरप से भिगो लेंगे। फिर हम इस पर क्रीम चढ़ा देंगे। फिर से एक ब्रेड, इसे ऐसे क्रीम से लगाएंगे। अभी लगाएंगे हम इस पर ढेर सारी क्रीम, होंगे तो ये खाने में भी टेस्ट आ जाएगा और ये जो क्रीम है जो थोड़ी सी पीली सी लगती है वो भी टाइट हो जाएगी। अब मैं इसे चॉकलेट से गार्निशिंग कर दूंगी। ढेर सारे चॉकलेट की घिसेंगे हम इस पर। अभी हम इसको
केक की तरह इस पाइपिंग से सजा देंगे। अब हम इसको टूटी फूटी से सजा देंगे। केक कर का करना बहुत बार केक का काम होता है। अब हम बीच में निकाल देंगे एक बड़ा सा फूल। बस हो गया हमारे से फाइनल। बस बन गया हमारा पेस्ट्री केक, बिल्कुल खाने के लिए रेडी। इसे काटने का मेरा मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम काट देते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट बनी है हमारी पेस्ट्री, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे मेरे नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।